ऐसे ही एक खूबसूरत पौधा अगर आपके पास हो एंड उसको अगर कोई टच करे तो इससे म्यूजिक निकलेगा तो कैसा रहेगा। तो दोस्तों ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लेके मैं अनिल आपको स्वागत करता हूँ गैजेट्स यूनर प्लेस चैनल पे। अमेजन फ्लिपकार्ट सब ई कॉमर्स साइट पे ये अवेलेबल है। म्यूजिकल पॉड्स के नाम पे अगर आप सर्च करोगे तो ये वाला प्रोडक्ट आपको दिख जाएगा। फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, अगर आपको ये पसंद है तो आप इसको खरीद सकते हो। तो अभी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हम लोग को क्या क्या कंटेंट मिलता है। पैकेजिंग इतना कुछ खास नहीं था और ये वाला प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता है, मेड इन चाइना है। डायरेक्टली हम लोग को मिल जाता है ये वाला पॉट। एंड कलर ऑप्शन बहुत सारा ऑप्शन आप लोग को अमेजोन पे मिलेगा, लेकिन कलर चूज करने के लिए ऑप्शन शायद ही अवेलेबल नहीं होगा, मेरे लिए भी नहीं था। एंड बॉक्स के अंदर हम लोग को कुछ यूजर गाइड एंड और दूसरा कुछ कंटेंट भी नहीं मिलता है, सिर्फ ये पॉट एंड उसका जो भी चार्जिंग के लिए जो USB 2 माइक्रो USB केबल है वो एक मिल जाता है। ये जो चार्जिंग केबल का क्वालिटी इतना कुछ खास नहीं है, नॉर्मल ही है। बट ये जो पॉट है उसका क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। प्लास्टिक मटेरियल है लेकिन काफ़ी हद तक अच्छा मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है। और यहाँ पे आप एक होल देख सकते हो, नीचे इसका स्पीकर ग्रिल है। ये होल दिया गया है एक्स्ट्रा पानी को ड्रेन करने के लिए, और उसके पास हम लोग को स्पीकर ग्रिल मिलता है। तो इसीलिए जब भी आप प्लांट पे पानी दे रहे हो तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि पानी स्पीकर में आ सकता है, इसको डैमेज कर सकता है। और पॉट के अंदर आपको एक स्टील का रॉड जैसे मटेरियल मिलता है, वो एक्चुअली इसका सेंसर है। इसके पास अगर आप हाथ ले रहे हो या फिर इसको टच कर रहे हो, उससे आपका म्यूजिक आपको प्ले होने लगेगा। और यहाँ पे आप दो बटन एंड और साइड में मिलता है माइक्रो USB पोर्ट। ये वाला प्लास्टिक को ओपन करके आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा। 5000 मिली एम्पियर का बैटरी इसके अंदर मिलता है, जिसको चार्ज करने के लिए 2 घंटा टाइम लगता है। एंड एक बार फुल चार्ज हो जाए तो 8 से 9 घंटे तक इस पे म्यूजिक प्ले हो सकता है। और बीच वाला बटन को आप एक बार दबाने के बाद इसका पावर ऑन हो जाएगा। पावर ऑन होते ही आपको यहाँ पे जो सर्कुलर रिंग टाइप का लाइट है वो जलने लगेगा। एंड इसको 2 बार दबाने से इसका जो ब्लूटूथ मोड है वो एक्टिव हो जाता है। इसको आप मोबाइल के साथ कनेक्ट करके म्यूजिक भी प्ले कर सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस के अंदर आपको 10 ट्यून प्री प्रोग्राम्ड मिलेगा, जिसको टगल करने के लिए आप ये सेकंड बटन का यूज कर सकते हो। तो बार बार दबाने से ये आपका जो म्यूजिक है उसको चेंज करते रहेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो म्यूजिक की क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, एंड ज़्यादा लाउड भी है। एंड रिदिम के हिसाब से ये जो लाइट है वो भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अभी हम लोग देखेंगे इसका जो सेंसर है वो कैसे सेंस करता है। तो पहले इस डिवाइस को एक म्यूजिक पे ही सेट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद में जैसे ही इसका जो सेंसर को टच करूंगा तभी आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट ट्यून कैसे प्ले हो रहा है। इसका सेंसिटिविटी इतना अच्छा है कि यहाँ पे मैं प्लांट डालने के बाद इसका जो प्लांट का रूट है एंड मिट्टी है वो इसके सेंसर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो इसीलिए प्लांट के कोई भी हिस्सा को आप टच करो तो वो सेंसर सेंस कर लेता है, एंड उसके वजह से आपका जो म्यूजिक है वो प्ले होने लगता है। तो फिर चलिए अभी इसके अंदर मैं एक प्लांट डाल के, रियल प्लांट जो है वो उसको डाल के टेस्ट करता हूँ कि ये सही से सेंस कर पाता है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैं एक रियल प्लांट यहाँ पे डाल दिया हूँ, और इसका पावर बटन अभी ऑन करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना अच्छे से ये सेंस कर रहा है। जैसे ही थोड़ा सा मैं टच कर रहा हूँ तो इसका जो डिफरेंट ट्यून है वो प्ले होने लगता है। काफ़ी अच्छा लगता है एंड काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट है ये। एंड लोगों को भी काफ़ी पसंद आया है, मेरा जो दोस्त लोग है उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया है ये वाला प्रोडक्ट। तो आशा करता हूँ आप सबको भी ये वाला प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा। ये अमेजोन पे 400 रुपीज़ से लेके 800 रुपीज़ तक डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट क्वालिटी का अवेलेबल है। लेकिन फिलहाल मैं ये जो प्रोडक्ट खरीदा था वो शायद 500 रुपीज़ ही लिया था। आशा करता हूँ ये वाला प्रोडक्ट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों। Bluetooth mode. Thank you.